क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के नए कप्तान रोहित शर्मा है। रोहित के युग की शानदार शुरुआत हो चुकी है, मगर रोहित शर्मा चयनकर्ताओं से खुश नहीं है, उनकी दखल अंदाजी से नाखुश है। और सबसे बड़ी बात, हिटमैन रोहित शर्मा ने इसी दखल अंदाजी पर अपने ही अंदाज में नाराजगी जताई है, चयनकर्ताओं को आंख दिखाई है, कड़ा जवाब भी दिया है। और इतना नहीं, रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया के नए हेड कोच राहुल द्रविड़ भी साफ साफ खड़े दिख रहे हैं। तो क्या हुआ ऐसा टीम इंडिया में, रोहित ने रांची में क्या किया ऐलान, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो रोहित शर्मा के युग का शानदार आगाज हुआ है। न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और कप्तानी तो रोहित हमेशा से ही अद्भुत करते रहे। IPL में रोहित सबसे सफल कप्तान है, तो टीम इंडिया की कप्तानी भी जब जब रोहित को मिली तब तब रोहित ने अपना लोहा मनवाया, फिर चाहे वो निदास ट्रॉफी हो या फिर एशिया कप, हर जगह हिटमैन की शानदार कप्तानी ने टीम इंडिया को खिताब भी दिलाया। अब इधर रोहित शर्मा फुल टाइम कप्तान बने तो चयनकर्ताओं ने रोहित पर हावी होने की कोशिश की। जी हाँ, इसका खुलासा अब हुआ है। चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा पर टीम थोपने की कोशिश की, खिलाड़ी थोपने की कोशिश की। और बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा इसी बात को लेकर चयनकर्ताओं से नाराज हैं। असल में रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड सीरीज में जो टीम दी गई उसमें 5-5 ओपनर रखे गए और हालात ऐसे थे कि अगर मिडिल ऑर्डर में रोहित कोई बदलाव करना चाहे तो रोहित के पास कोई विकल्प तक नहीं है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ता चाहते थे कि रोहित शर्मा खुद मिडिल ऑर्डर में खेले और युवा खिलाड़ियों को बतौर ओपनर जगह दें, बतौर ओपनर मौका दें। और पहले मैच से पहले इसे लेकर खबरें भी आ रही थी कि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया। जी हां, रोहित ने पहले मैच के बाद दूसरे मैच में भी साफ साफ और सीधा संदेश चयनकर्ताओं को दे दिया है। रोहित शर्मा खुद ओपनिंग में आए, साथ ही साथ KL राहुल को भी बतौर ओपनर बरकरार रखा और चयनकर्ताओं को दिखा दिया, बता दिया कि वो भले ही टीम में 5 नहीं बल्कि 10 ओपनर भी क्यों ना चुन लें, लेकिन रोहित शर्मा और KL राहुल ही टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे। और रोहित चयनकर्ताओं की गलत मांग को, मिडिल ऑर्डर में खेलने की डिमांड को किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ता चाहते थे कि ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को बतौर ओपनर इस सीरीज में आजमाया जाए और रोहित शर्मा तीसरे या फिर चौथे नंबर पर बैटिंग करें, मगर रोहित ने अपनी जगह छोड़ने, ओपनिंग स्लॉट छोड़ने से इनकार कर दिया। और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी रोहित का ही साथ दिया। द्रविड़ ने भी साफ साफ कहा है कि रोहित का जो रिकॉर्ड बतौर ओपनर है उसे देखकर रोहित को नीचे भेजना न सिर्फ रोहित का नुकसान होगा बल्कि लॉन्ग टर्म में टीम इंडिया के लिए भी नुकसान होगा। और रोहित शर्मा ने भी साफ साफ बता दिया है कि वो ओपनिंग पोजिशन छोड़ने वाले नहीं है, रोहित ने इसे इनकार कर दिया है। और रांची में भी रोहित शर्मा बतौर ओपनर खेलकर बता दिया है कि वो चयनकर्ताओं की गलत डिमांड के आगे झुकने वाले नहीं है, वो गलत बात मानने वालों में से नहीं है। रोहित शर्मा ने अपनी पहली सीरीज में चयनकर्ताओं को साफ साफ संदेश दिया है कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश ना करें और जो कप्तान की डिमांड हो, जिन खिलाड़ियों की कप्तान मांग कर रहा हो, उसके मुताबिक टीम दी जाए, ना कि जबरदस्ती टीम थोपी जाए। सूत्रों के मुताबिक इस सीरीज में टीम के चयन में भी रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में एक अतिरिक्त बल्लेबाज चाहते थे। रोहित चाहते थे कि संजू सैमसन को टीम में चुना जाए जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को अभी इंतजार करने के लिए कहा जाए, मगर चयनकर्ताओं ने रोहित की एक नहीं सुनी। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ कुल मिलाकर 5 ओपनर टीम में चुन लिए, मगर रोहित ने भी दिखा दिया कि बॉस वही है। रोहित ने खुद ओपनिंग की, राहुल को ओपनिंग में लाए और एक और ओपनर वेंकटेश अय्यर को मिडिल ऑर्डर में खिलाया। यानी कि रोहित ने साफ साफ कह दिया है कि चयनकर्ता कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन टीम में उनकी ही चलेगी, कप्तान की ही चलेगी। वैसे इससे पहले हेड कोच रवि शास्त्री ने भी चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए थे। शास्त्री ने कहा था कि वर्ल्ड कप की टीम चुनने के लिए ना तो विराट कोहली से कोई सलाह ली गई और ना ही तब के हेड कोच रवि शास्त्री से सलाह ली गई, और फिर वर्ल्ड कप में भारत का क्या हाल हुआ ये सब ने देखा। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि चयनकर्ता अपनी मनमानी तुरंत बंद करें और कप्तान का साथ दें, कप्तान को उसके मुताबिक खिलाड़ी दें। ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या रोहित शर्मा को चयनकर्ताओं की बात मानकर मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए या फिर रोहित शर्मा को बतौर ओपनर ही खेलना चाहिए? रोहित शर्मा ठीक कर रहे हैं ओपनिंग में आकर? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। अब इस जीत में भले ही रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव ने रन बनाए और सूर्या को तो मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, मगर इस जीत की नींव रवि अश्विन ने रखी। जी हाँ, अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी की और 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। अश्विन ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए। अब मैच के बाद रोहित शर्मा जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए तो कप्तान रोहित ने आते ही यही कहा। रोहित ने कहा, बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया लेकिन हमारे लिए मैच गेंदबाजों ने बनाया। रोहित ने इसके ठीक बाद रवि अश्विन का नाम लिया। रोहित शर्मा ने कहा, अश्विन का 14वां ओवर हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। रोहित ने कहा कि तब के सेट बल्लेबाज चैपमैन को अश्विन ने आउट किया और उसके तुरंत बाद उसी ओवर में ग्लेन फिलिप को भी ढेर कर दिया। रोहित ने कहा कि जो न्यूजीलैंड तब 180 के पार जाता हुआ दिख रहा था लेकिन उस ओवर के बाद अश्विन की गेंदबाजी के बाद 160 के पास ही अटक गया और इसीलिए रवि अश्विन मेरे लिए जीत का हीरो है। रोहित ने आगे कहा, अश्विन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अश्विन की काबिलियत को आप अनदेखा नहीं कर सकते और अश्विन के आसपास होने के बाद भी उसे टीम में नहीं खिलाना मूर्खता है। जी हाँ, रोहित शर्मा ने अश्विन का नाम लेकर विराट कोहली को ढेर कर दिया क्योंकि पिछले 4 सालों से रवि अश्विन को विराट कोहली ने लिमिटेड ओवर्स गेम से दूर रखा हुआ था जबकि अश्विन लगातार आईपीएल में शानदार खेल रहे थे। और यही नहीं, इस वर्ल्ड कप में भी जब अश्विन टीम में शामिल थे तो पहले 2 मैच में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली और भारत ने वो दोनों ही मैच गंवा दिए और विराट ने अश्विन को ना खिलाने की जैसे कसम खाई हो। मगर यहाँ पर रोहित शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि अश्विन को नहीं खिलाने वाला मूर्ख है, यानी कि विराट कोहली के फैसले गलत हैं, मूर्खतापूर्ण फैसले वो लेते थे। अब रोहित के कप्तान बनते इधर अश्विन टीम के मेन बॉलर बन चुके हैं, रोहित का एरा आ चुका है। रोहित ने मैच के बाद अश्विन का नाम लेकर बुरी तरह से विराट को लताड़ दिया और यहां तक बता दिया कि वर्ल्ड कप में भारत की हार की वजह भी विराट के ऐसे ही गलत फैसले रहे। तो कुल मिलाकर अभी अश्विन पर रोहित का भरोसा बन गया है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में अश्विन टीम इंडिया के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। और रोहित ने भी ये साफ कर दिया है कि विराट की तरफ टीम बिल्कुल नहीं चलेगी, टीम में मनमानी नहीं होगी बल्कि वही होगा जो टीम के लिए, देश के लिए अच्छा होगा और वही होगा जिससे टीम जीत सके। तो रोहित शर्मा के इस बयान पर, विराट कोहली पर रवि अश्विन पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।